हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेपर 7 की तैयारी। आपको किस प्रकार करनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर इसमें ला सकें, और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसके जरिए आप एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से 95% नंबर ला सकते हैं। कैसे आपको लाना है वीडियो पूरा देखना होगा। जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 90+ नंबर इसमें आएंगे पेपर 7 में। ठीक है, इसमें आपको आप सभी को पता है कि पेपर 7 में आपको चार बुक पढ़ने होते हैं। इसमें आपको स्टैटिक्स भी पढ़ना होता है, डायनेमिक्स भी पढ़ना होता है, इसके बाद हाइड्रो स्टैटिक्स भी पढ़ना होता है, इसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ने होते हैं। तो किस प्रकार आपको तैयारी करना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें, और मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊँगा इसमें स्टैटिक्स डायनेमिक्स का, और आपका पेपर 7 कम्प्लीट हो जाएगा, मतलब स्टैटिक्स डायनेमिक्स कम्प्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्या करूँगा कि 1-2 साल बैक क्वेश्चन को लेकर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा कि आपको किस बार करना है। और जैसे कि सभी को पता है कि ग्रुप ए में आपको स्टैटिक्स डायनेमिक्स पढ़ने होते हैं, जो ग्रुप ए होता है इसमें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ने होते हैं, और इसमें ग्रुप बी में आपको हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ने होते हैं, और ग्रुप सी में आपको क्या पढ़ना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें 6 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं तीनों ग्रुप से, तो आपको प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन को टच करना होता है। अगर आपने ग्रुप ए से 1 क्वेश्चन टच कर लिया और ग्रुप बी से भी 1 क्वेश्चन टच कर लिया तो आपको ग्रुप सी से आपको 2 क्वेश्चन बनाना हो सॉरी 4 क्वेश्चन बनाने होंगे। ठीक है, तो आपको मैं इसी ट्रिक मतलब बताने वाला हूँ कि आपको स्टैटिक्स डायनेमिक्स मतलब ग्रुप ए से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन को बनाना है, इसके बाद ग्रुप बी से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन को बनाना है, और ग्रुप सी से आपको 4 क्वेश्चन को बनाने हैं। ठीक है, और इसमें आपको स्टैटिक्स डायनेमिक्स ग्रुप ए में पढ़ने होते हैं, तो आपको क्या करना है कि देखिए ये ग्रुप ए में से एक थ्योरम ऐसा होता है जो हर साल फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपका 2020 में एग्जाम है तो 2018 का क्वेश्चन बैंक को लेना है और इसमें से आपको कंपेयर करना है, मतलब 2020 में एग्जाम है तो 2018 का और 2016 का और 2014 का, ये तीनों में से मैच करना है। जो क्वेश्चन मतलब तीनों में रिपीट हुए हैं एक बार, जैसे 2018 में पूछा गया, 2016 में भी, 2014 में, इसी क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये स्टैटिक्स डायनेमिक्स का है, तो एक में इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है, ये थ्योरम आपको 4 नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये थ्योरम 2 साल पर रिपीट करते हैं, तो इस साल के 2020 के लिए थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका स्टैटिक्स डायनेमिक्स कम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, एक ये थ्योरम और एक ये मतलब एक ये वाला पैरेलल एक्सिस वाला, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आपको ये क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन को देख लेना है, और इसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये दोनों को आप देख लेते हैं तो स्टैटिक्स डायनेमिक्स आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसमें भी देखिए ग्रुप बी में भी आपको क्या करना है कि इसमें भी एक ऐसा थ्योरम होगा जो 2 साल के अंतराल पर पूछे आते हैं, तो इसमें भी आपको थ्योरम को क्या करना है, मैच करना है। इक्विलिब्रियम वाला एक थ्योरम आता है, इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे आते हैं ये टॉपिक में से। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से इसे बना सके। अब बात आता है ग्रुप सी की तैयारी कैसे करें, तो ग्रुप सी में से आपको 4 क्वेश्चंस को टच करने हैं। ठीक है, इसमें से आपको मॉन्क्स मेथड हर साल पूछा जाता है, मॉन्क्स मेथड हर साल पूछा जाता है। देखिए मॉन्क्स मेथड्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है, चारपेट मेथड का भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका पैरामीटर का भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, ग्रुप सी पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस को पकड़ने हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा मॉन्क्स मेथड वाला, ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर क्लिक करके ये वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉन्क्स मेथड का। और चारपी मेथड का भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बना दिया है, सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन बना के रख दिया है, और पैरामीटर का भी क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। तो आपको ग्रुप सी पर ज़्यादा मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, ताकि आप एग्जाम में गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 95% नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो ये आपको ये काम करना है, ग्रुप सी पर ज़्यादा मेहनत करना है, और ग्रुप बी में से और ग्रुप सी में से एक ऐसे क्वेश्चन को टच करने हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, मतलब 18, 16, 14 में से देखिए मैच कीजिएगा, जो क्वेश्चन तीनों में पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को एक को बना लेना है, तो ग्रुप बी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में भी यही ट्रिक लगाना है, जो आपको 2018 में और 2016 में 14 में जो क्वेश्चंस पूछे गए तीनों में इसी क्वेश्चंस को लिखना है। ऐसे मैं आपको बता दिया हूँ कि ये पैरेलल वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला इसी में आपका ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से अच्छे खासे इसमें नंबर ला सकते हैं पेपर 7 में। ठीक है,
तो ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में आने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सभी का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितना भी मैं क्वेश्चंस बनाया हूँ स्टैटिक्स का, डायनेमिक्स का, सभी का नोट्स आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में आने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।